हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोई भी एल्बम का डिज़ाइन कॉपी करके एक नया डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी बताइएगा, मतलब बुरा लगा हो तो भी आप बताइएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं इसी में से हम सेलेक्ट करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें से हमें जो भी डिजाइन अच्छा लगेगा हम उसी को कॉपी करके यहाँ से हम बनाएंगे। तो जैसे कि आप ये जो मुझे तो ये जो फ्रेम है ना, ये ब्लैक एंड वाइट वाला और यहाँ पे मूवमेंट्स का, तो हम दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसी तरह हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम अपने फाइल में जाते हैं, ये मैं फाइल ली हूँ 12:36 का, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम रेक्टल टूल में जाएंगे, यहाँ से इस तरह हम बनाएंगे इसे। इसका जो कलर है हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद में हम इसे सेट करेंगे। अब क्या लिखेंगे, वेडिंग मोमेंट्स, वेडिंग मोमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी से इस तरह से हम इसे घुमा देंगे, शिफ्ट दबा के करना है, ठीक है। शिफ्ट दबाना है इस प्रकार से शिफ्ट। अब यहाँ तक होने के बाद क्या करेंगे, हम इसका कॉपी करेंगे कंट्रोल जे से। ये होने के बाद में हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे इतना छोटा करते हैं, देखिए यहाँ तक होने के बाद में क्या हुआ, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ नया करना है, तो नया करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो इसके पीछे ना हम स्ट्रोक देंगे। अब स्ट्रोक कैसे देंगे, यहाँ से फिर से रेक्टल टूल जाएंगे, रेक्टल टूल में जाएंगे और यहाँ से इस ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। ये जो इसका कलर जो है हम वाइट करेंगे। वाइट करने के बाद में क्या करेंगे, से नीचे ला लेते हैं, स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक देने के लिए हमें डबल क्लिक करना है और यहाँ से स्ट्रोक, ठीक है, यहाँ पे जाओगे स्ट्रोक में, ये देखिए यहाँ पे 6। अब अपने साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ऐसे, तो मैं भी 6 में रखूँगी, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रकार से, चलो 5 में ही रख देती हूँ, तो मैं भी ओके कर दी। अब इसे थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो ये वाला जो फ्रेम बनाया है, जो बैकग्राउंड डाला है ना, इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से रेक्टल टूल लेंगे और इस तरह से इसे बनाएंगे, इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे सेंटर में लाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद में हम क्या करेंगे, इस तरफ पर डिजाइन देखेंगे। अब इस तरह का डिजाइन इसमें से, अब ये फिर से यही सेम ये जो फ्रेम है यहाँ पे ये बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, तो शिफ्ट और ऑल्ट के साथ में इसे प्रेस करेंगे इस तरह से, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे। अब यहाँ तक होने के बाद में क्या करेंगे, हम फिर से इसका डुप्लीकेट लेंगे, अब जो वाइट कलर रहेगा, ठीक है। वाइट कलर करने के बाद में कंट्रोल टी से छोटा करेंगे,
फिर से इसे इस प्रकार से इतना छोटा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद में इसे इस तरह से सेट करेंगे। अब क्या करेंगे हम इसमें इसमें देखिए यहाँ पे ये जो तीन फ्रेम बना है इसी को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो फ्रेम बनाने के लिए यहाँ से रेफर टूल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इस तरह से शेप बनाएंगे, इसे ब्लैक कलर कर देते हैं। अब फिर से शिफ्ट और ऑल्ट के साथ में पेस्ट करेंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ तक होने के बाद में क्या करेंगे, शिफ्ट दबाकर तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद में ये वाला को हम बड़ा करेंगे थोड़ा, यहाँ तक होने के बाद में देखिए आप, मैं इसे छोटा कर लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक होने के बाद में अब देखिए इस एल्बम में देखिए और इस एल्बम में देखिए आपको अंतर लग रहा होगा। इसमें से हमने क्या किया है, ये जो फ्रेम बनाए ये वाला सिलेक्ट किए थे और इसमें से ये जो मोमेंट्स लिखा है वो इसमें से ये है ना, कुछ ही डिजाइन हमने सिलेक्ट किए हैं। अब इसमें आपको अंतर लग रहा होगा, इस ये एल्बम बिल्कुल हमें नया लग रहा है। इस प्रकार से अगर हम नया एल्बम सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं तो हम इसी प्रकार से कुछ मतलब खुद का अपना नया डिजाइन हम बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो हमने डाउनलोड किया था वो है और ये जो हमने बनाया वो है ना। तो इसमें हम फोटो डाल के देखेंगे कैसा लगता है एल्बम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम फोटो डालेंगे, ये वाला हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ से हम ये फोटो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करके, ठीक है। अब इसे हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, चिलिपिंग मास्क करेंगे और कंट्रोल टी से फिर से इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक होने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से इसे ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक होने के बाद में फिर इस फ्रेम में डालेंगे हम फोटो। तो इसके लिए हम ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी से बड़ा करेंगे, यहाँ से फिर राइट क्लिक करेंगे, चिलिपिंग मास्क, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद में क्या करेंगे, फिर से इस ये जो चारों फ्रेम है उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे पहला वाले में सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में यहाँ से फिर चिलिपिंग मास्क, ठीक है। आपको जो भी फ्रेम में फ़ोटो डालना है उसे पहले सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में ये फ़ोटो डालना है, ठीक है। कोई भी फोटो हो यहाँ से चिलिप मार, आप पहले लेयर सेलेक्ट करें फिर फोटो डालें, ठीक है। देखिए इस प्रकार से फिर से मैं सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल टी से फिर से छोटा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लेयर क्यों सिलेक्ट करते हैं हम, अगर हम हमें इस फ्रेम में फ़ोटो डालना है और हम ये वाला फ्रेम सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ से हम फोटो लाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये जो लेयर है नीचे का उसे हम यहाँ से कैसा पता करेंगे कि एक लेयर हम ऐसे करके देखेंगे कि ये लेयर कहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये फ़ोटो लाएंगे। जैसे मुझे ये फ़ोटो करना है, ठीक है, तो उसके लिए कंट्रोल टी से बड़ा इंटर दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चिलिपिंग मास्क करेंगे तो ये सीधा इसी लेयर पे ये होगा, है ना, इसीलिए, ठीक है। तो पहले सिलेक्ट कर लेना चाहिए फिर उसके बाद में चिलिपिंग मास्क करना चाहिए,
यहाँ तक होने के बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ ये जो कलर है इसे चेंज करेंगे। तो कलर यहाँ पे येलो कलर है इस प्रकार से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इरेजर करेंगे इसे। इस प्रकार से इसे, सॉरी ठीक है, मैं इसे थोड़ा साइड कर लेती हूँ। इस प्रकार से हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद में क्या करेंगे, आपको यहाँ पे भी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला वेडिंग डे का जो है उसे मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से ठीक है, ये देखिए। अब इधर भी हम थोड़ा सा ये जो फ्रेम है इसके नीचे डाल देते हैं येलो कलर। तो कलर डालने के लिए यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे इसमें डबल क्लिक करके यहाँ से कलर लेंगे और इस प्रकार से डाल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक होने के बाद में क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कौन सा एल्बम यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एल्बम है वो है, तो मैं इसे यहाँ पे फोटोशॉप में ले जाती हूँ, इसे हटा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने नेट से डाउनलोड किए वो एल्बम है और ये जो हम बनाए वो एल्बम है। तो आप बताइए आपको कौन सा एल्बम अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं है तो आप इसी तरह से किसी भी एल्बम को डाउनलोड करिए, उसमें से आपको जो भी एल्बम अगर अच्छा लग रहा है, मतलब डिजाइन अच्छा लग रहा है, उसे सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए, उसे बनाने की कोशिश करिए। इसी तरह से हम जब एल्बम बनाते हैं तो किसी एल्बम का ही डिजाइन कॉपी करके एक नया डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने एक ही डिजाइन का कॉपी की हूँ। आप लोग अगर नए हो, आप सीख रहे हो, तो आप शायद एक दो एल्बम, दो तीन एल्बम का डिजाइन कॉपी करके एक ही एल्बम में इस तरह से बना सकते हो। अगर ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको गलती हुआ हो वीडियो में बोलने में या बताने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।